शुरू करूं? या कमान कैरी ऑन डैडी, यू वेलकम डैड। इन लोगों का तो चलता ही रहेगा, यू कैरी ऑन। ये मेरे बोनस का चेक है। दिवाली का बोनस का चेक है? फिर की ना बेवकूफी की बात। दिवाली के दिनों में दिवाली का नहीं तो क्या होली का बोनस आएगा? क्या है इसमें? अरे तुम खुद ही खोल के देखो ना। मम्मी के हाथ ऐसे कांप रहे हैं जैसे सुहाग रात में दूल्हे के हाथ कांपते हैं दुल्हन का घूंघट खोलते हैं। 11,000 रुपए दिवाली के बोनस के लिए? मॉम 11,000 तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मुंह में 11 लड्डू फंसे हो। अरे भाई लोग तो 11 करोड़ हजम करके भी डकार नहीं लेते। गरीब लोगों के लिए 11,000 तो 11 करोड़ से भी बढ़कर होते हैं। क्या बात है डैड, कौन सा गरीब करोड़पति बन गया? तुम्हारे डैडी के दिवाली के बोनस का 11,000 रुपए का चेक आया है। 1,000 दिवाली का डिस्काउंट। मैं चाहूँ तो करूँ। इसका प्राइस 8,000।
खुशियां लाता है। बेचारे मिडिल क्लास लोगों के घर में तो त्योहार भी मुसीबतें लेकर ही आता है। राधिका सो जाना, पढ़कर किसका भला हुआ है जो तेरा होने वाला है। भाई को बिजली का बिल बढ़ा रही है। बस ये पैराग्राफ खत्म कर लेती हूँ, कल कर लेना ना, जाने किताब भी थकी होगी। सोने दे बेचारी को। क्या गले को बुखार आया ऐसी बात करिए, किताब को कैसे नींद आ सकती है? नामची की बच्ची, अगर गधे को बुखार आ सकता है तो किताब को नींद नहीं आ सकती क्या? नहीं, ये लोग मुझे यहाँ पढ़ने देंगे। अरे बाबा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इन सबको समझा लूंगी। अरे तुम क्या उन्हें समझाओगी, ये तो पूरी दुनिया को समझा कर वापस आएंगे। अमेरिका का प्रेसिडेंट और यूनो का सेक्रेटरी भी उन्हें नहीं समझा सकता। मैं जैसा कहती हूँ वैसा। दो दो हजार की तीन ड्रेसेस बड़ी लड़कियों के लिए, 2000 रुपए में काजल के कपड़े और जूते आ जाएंगे, 1500 रुपए में छोटी का सरारा आ जाएगा, और 1000 रुपए में मैं इन सबको जूते ले दूंगी। बाकी बचे 500 रुपए, उसमें हम मिठाइयां और कंदील मंगवा लेंगे। और तुम्हारा क्या होगा? मुझे कौन से नए कपड़े पहन के नुमाइश में जाना है? अरे लेकिन दिवाली के दिनों में ये सब नए कपड़े पहनेंगे, और तुम दर्जनों बार धुली साड़ी पहनोगी। मेरे पास एक साड़ी है जो मैंने आने जाने के लिए रखी है, वो पहन लूंगी, वो भी बिल्कुल एकदम नई जैसी है। कौन सी? वो पिस्ता कलर की साड़ी? कम से कम 15 शादी के रिसेप्शन में तुम पहन चुकी हो। अपनी सोचो, तुम्हारे आधे से ज्यादा शर्ट काजल ने पहनकर चिंदी कर दिए। पैसे कहाँ है? मेरे पास है। अच्छा, तो मुझसे छुपा कर बहुत माल अंदर कर रखा है तुमने। मेरे भाई ने राखी पर 500 रुपए भेजे थे, माँ ने छोटी के हाथ में 200 रुपए भेजे, हो गए 700 रुपए। 700 रुपए में तुम्हारा एक अच्छा सा शर्ट और पैंट तो आ ही जाएगा। यानी अपनी माँ और भाई के पैसों से तुम मेरे लिए शॉपिंग करोगी? बिना मुझे कभी कभार तुम्हारे साथ शादी करने का अफसोस होता है। हाँ, मेरे से अमीर घर की लड़की लाते तो दहेज ना सही, कम से कम त्योहार के दिनों में माल तो आ ही जाता। ससुराल के पैसों से गुलछर्रे उड़ाऊं ऐसा निकम्मा नहीं हूं मैं। मुझे दरअसल अफसोस इस बात का है, इस घर में तुम्हें लाकर सुख नाम का एक भी लम्हा मैं तुम्हें दे नहीं सका। तुमने शादी की रात मांगी सोने की दो चूड़िया, 17 साल होने के बाद भी मैं तुम्हें दे नहीं पाई, और फिर भी तुम्हें अगले जन्म में मुझसे शादी करनी। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा दिल का साफ पति बहुत नसीब वाली औरतों को मिलता है। अरे हमारे पास पैसे की दौलत नहीं है तो क्या हुआ, प्यार की दौलत तो है। हमारे बच्चे खुश रहे, सुखी रहे, उसी में हमारी खुशी है। इससे बढ़कर माँ बाप को और क्या चाहिए? मम्मी डैडी का तंबू में घबराहट फैल जाएगा। वैसे भी 16 साल में ऐसा कौन सा दिवाली था जिस टाइम हम लोग ने पूरा कपड़ा नया पहना हो, कभी शर्ट पुरानी है तो कभी पैंट। 2 साल पहले शर्ट पैंट दोनों नए थे तो टोपी पुरानी। रियली काजल, तुझे ना टोपी के साथ पैदा होना चाहिए था। अगर मम्मी डैडी की टेंशन सॉल्व होती है तो मैं अपना 5000 वाला ड्रेस नहीं लूंगी। मैंने एक दूसरा ड्रेस देखा है जिसकी कीमत है ओनली 4,950 रुपए। क्या? वो 500 रुपए कम करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग अपने बारे में ही सोचेंगे तो मम्मी डैडी के बारे में कौन सोचेगा? मगर तुम लोग ही तो कहते हो, जब मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती तो मम्मी डैडी के बारे में कैसे सोचूंगी। हम लोग एक काम करते, इस साल अपने लिए कुछ नहीं खरीदते। वो बूढ़ा बूढ़ी को बोलते हैं कि अपने लिए लाल लगाम खरीद ले। खरीदने वाले जब एक खाएगी। लाल लगाम मतलब नए कपड़े। ओह, लेकिन काजल, अगर हम कुछ नहीं लेंगे ना तो मम्मी डैडी का दिल टूट जाएगा। ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो हमें दिवाली के लिए नए कपड़े दिलाए और हम उन्हें बदले में गिफ्ट दें। वाओ काजल, तूने जिंदगी में पहली
इस महीने तो कोचिंग क्लास का भी वेकेशन है। अच्छा, तो हम लोग उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। अच्छा, अपने माँ बाप के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। तेरी तो इसमें दादा के लिए करने वाली कौन सी बात है? अगर राजू अंकल गंगा को अपनी माँ मानकर चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम लोग अपने जेनुइन माँ बाप के लिए चंदा क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते? कर सकते हैं, हम लोग भी चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। राधिका, तू भी इसकी गाड़ी में बैठ गई। राधिका, यू टू। अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो, हम लोग 5 बहने हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करके पैसे तो इकट्ठे कर सकते हैं ना, और उसमें से मम्मी डैडी के लिए फूल नहीं लेकिन फूल की पंखड़ी तो गिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं? फूल खरीदना है, that's no problem. मेरे पास एक fantastic idea है। मैं पता है फूल वाले के सामने जाके एक स्माइल कर दूंगी और वो फूल मुझे फ्री में फूल दे देगा। लो, इसने फूल वाले को भी नहीं छोड़ा। अरे कुछ देखो, हमारे पास सिर्फ 8 दिन है और आज से ठीक 10 दिन बाद दिवाली है, तो आज से 8वें दिन इसी जगह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे, लेकिन पैसों के साथ। Till then, all the best. राधिका। नमस्ते सर। आओ आओ राधिका, मैं तो डर ही गया था। आप इतना डरते क्यों हैं सर? क्या करे, ऊपर वाला जब भी कोई शरीफ आदमी पैदा करता है तो वो डर अपनी तरफ से वो बोनस में दे देता है। और हमारे एरिया में गुंडे तो ऐसे बढ़ गए हैं जैसे बरसात की मौसम में मक्खियाँ। सर, जमाना तो बहुत खराब होता जा रहा है। खराब यानी इतना खराब? हमारे जमाने में जब भी कोई आदमी डाकू बन जाता था तो वो शर्म के मारे चंबल में अपना कमरा बुक कर लेता था। आजकल बीच शहर में लोग डाकू बन जाते हैं। आदमी तो क्या, तुम्हारी बहन देखो, मार डालूंगा काट डालूंगा ऐसे करती है जैसे बर्थडे के दिन बच्चे केक काटने की बात करते हैं। बहुत घूमने की तकलीफ नहीं? थोड़े एडवांस पैसों की जरूरत थी। पैसे? राधिका, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे दिन में 2 बार खाना खाते हैं और वो कपड़े भी गोविंदा जैसे पहनने लगे हैं। पिछले 1 महीने से दूध भी 0.5 लीटर ज्यादा आने लगा है श्रीमती जी की एसिडिटी की वजह से। आमदनी वही, क्लास की फीस आने के 5वें दिन ही मैं बिल्कुल खाली हो जाता हूँ जैसे खाली बियर की बोतल। मेरे पास हम दोनों की कड़की दूर करने का एक ब्रिलियंट आइडिया है। कैसे? इस बार की दिवाली वेकेशन पे हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अनाउंस कर देते हैं। हम लोगों को जो एडवांस आएगा उसमें से आप थोड़ा बहुत ऑन अकाउंट मुझे दे दीजिए। अरे ऐसा क्यों नहीं कहती, मुझे भी बहुत दिन से इंग्लिश सीखना है, मैं भी तुम्हारे पास आकर सीख लूंगा अपने ही क्लास में। बोलो कितने एडवांस चाहिए? 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? छपरी पर खड़ा रहेगा। यहाँ पे कादर भाई क्या कर रही हो? हाँ, अब तो दुख आने का दुख दूर कर रहे हैं। कौन है? कादर भाई। कादर भाई, अपुन अभी आपकी तारीफ कर रहे हो। सुना मैंने। सुन लिया आपने? ए चल छोड़े, जा इधर से, धंधे का टाइम टाइम पास नहीं कर रहा, चल फोन। सॉरी साहब, वो क्या है, अपुन की इज्जत का सवाल है ना। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें किस लिए कर रही हो अपने को मालूम है? तेरे सारे गुनाह माफ है, जा लगे रहो लगे रहो। थैंक यू बॉस, थैंक यू। चल बड़े ने कितने प्यार से दिए थे, इसे बेच डालो। हाँ तो क्या हुआ, एक्चुअली ये कंगन औरतों के हाथ की बेड़ियां बेच दे। अगर तू इससे प्यार करने लगी तो फिर महिला होने का क्या?
भी बिक गया इस घर से। चलो कोई बात ना, मेरी बच्ची ने अपने माँ बाप की खुशी के लिए ही ये किया है। I'm proud of you, my child. Oh God, मेरा घर छान मारा पर कुछ नहीं मिला। छोटी क्या खो गया? कुछ खोया नहीं पर ढूंढ रही हूँ। हैरान, ये क्या कह रही है? कुछ खोया नहीं फिर भी ढूंढ रही है? छोटी रास्ते बोल, मैं तो रोक देंगी कि तुम मेरी बहन है। दिमाग से भी मैं चाकू ढूंढ रही हूँ। क्यों? मुझे बैंक तोड़ना है। हैरान, बैंक तोड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी? आज मम्मी डैडी फंड रेजिंग कमेटी का मीटिंग है ना, इसलिए कुछ तो देना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात के लिए तो बैंक लूट लेगी। बैंक लूटने की सजा क्या होती है? फांसी। गॉड स्वीटी, मैं बैंक तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं अपना पिंग बैंक तोड़ना चाहती हूँ। ओह दैट मींस तू चला देगी। जो मेरे पास है मैं दूंगी, जैसे शक्ति वैसे भक्ति। पर तू क्या दे रही है? 340 रुपए। बहुत से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। एक पूरा महीना मैं खाली एक ही नेल पॉलिश खरीदूंगी और दो महीने तक खुद अपने हाथों से अपने आईब्रोज करूंगी। फेशियल मसाज के बजाय मैं बेसन से अपना मुंह धोया करूंगी। और बाल ट्रिम करने का प्रोग्राम तो मैंने 3 महीने पोस्टपोन कर दिया है। मैं समझ सकती हूँ कि तेरे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, पर चलता है, होता है। सामान उठाया मैंने, थक गई तू? इस कंजूस के साथ जाएगी तो थकेगी, नहीं तो और क्या होगा? मुझे मालूम है ना, ऑटो किया होगा ना हमारा। हाँ हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, और औरतों की शॉपिंग औरतों के में तुझे पता नहीं? देंगी एक चीज, देखेंगी 20 दुकान। देखना तो पड़ेगा ही ना, पैसे हराम के तो आते नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। पता है मुझे, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मुझसे बात नहीं कर रहे? हाँ। तो किससे बात कर रहे हो? आज तुम ये बताई दो, तुम किससे बातें करते रहते हो? देखो लगता है मुझे तुम्हें राज बताना ही पड़ेगा। ए खबरदार, उसे मेरे बारे में कुछ कहा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कट्टी जा। कौन से राज की बात कर रहे हो? ये कुछ नहीं। तो फिर गुड्डू। थैंक यू। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? मैं ये लड़कियां क्यों नहीं आई अभी तक? अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? ये देखो तुम्हारे लिए क्या क्या आया है। अच्छा, हम लोगों के लिए किसी लड़के का रिश्ता आया? में अच्छी बात कर। अरे नहीं, ये सारे ड्रेसेस तुम लोगों के लिए, ये जूते तुम्हारे, और ये नया मेकअप बॉक्स स्वीटी को बोनस में। आप लोग अपने लिए कुछ नहीं लाए? वो क्या है ना, ये सब शॉपिंग करते वक्त हमें बहुत देर हो गई थी, हमने सोचा हम कल परसों कर लेंगे। अच्छा, कल दिवाली है और परसों नया साल, बाजार में घूमने जाओगे क्या? एक यूनिट के पैसे खत्म हो गए। ये बूढ़े लोगों को क्या करना है नए कपड़े लेकर? खबरदार जो हमारी मम्मी को खुली कहा तो। और दादी आप भी तो अपने दिल से जवान है ना। जवान दिल के आदमी को हमेशा सफारी पहनना चाहिए। डैडी, ये सफारी सूट का कपड़ा हम सबकी तरफ से, और ये साड़ी हमारी मम्मी के लिए। एक काजल, वो चीज निकालना। हाँ, और डैडी की तरफ से मम्मी के लिए ये सोने की चूड़ियां। इतने पैसे कहाँ से आए तुम लोगों के पास? कहीं डाका तो नहीं डाला तुम लोगों ने?
इतना गया गुजरा समझा अपने खून को? इन बेचारों ने रात दिन एक करके पसीना बहाकर कितने एडजस्टमेंट्स किए तुम्हारे लिए। सच? अरे डैड, आप आम खाओ ना, गुटलियों के दाम क्यों गिनते हो? अरे ये सब ठीक है, लेकिन बीना को मैंने सोने की चूड़ियां देने की बात की थी, ये तुम्हें कैसे पता चली? स्वीटी, तूने फिर हमारे बेडरूम की बातें सुनी? नहीं नहीं, इस बार राधिका ने सुनी थी। कभी कभार भैरे लोग भी बेडरूम स्टोरी सुन लेते हैं। बड़ों के साथ बदतमीजी से बात नहीं करते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस। देखा, सब लोग मेरे बेटियों को बदनाम करते हैं, लेकिन इनकी अच्छाई भी देखो। मैं तो कहता हूँ ऐसी बेटियां नसीब वालों को ही मिलती हैं। और साथ ही में हमारा प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हो गया, वैसे आप सब लोगों का ये दिवाली का दिन आप लोगों की जिंदगी में खुशियां आए और आने वाला नया साल आपका खुशहाल जाए, ये हम पांच की टीम की तरफ से शुभकामनाएं।